Yo, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही धमाकेदार वीडियो, और हमारे धमाकेदार गेम प्ले में यार टिप्सन दादा ना हो तो वीडियो में धमाका ही किस बात का। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम चलते हैं टिप्सन दादा के पास और उनसे लेते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स, जिससे कि हमारी वीडियो मतलब हमारा गेम प्ले बहुत ही धमाकेदार हो जाएगा। तो दोस्तों दौड़ के मैं पहुंच चुका हूँ टिप्सन दादा के पास। अरे आओ छोटे, क्या हाल चाल है तुम्हारे यार, बड़े दिनों बाद आया आज तो। बस टिप्सन दादा मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, आप बताइए आपकी क्या हाल चाल है। छोटे मैं भी एकदम मस्त हूँ यार। वैसे छोटे आज के गेम प्ले में तू क्या फोड़ने वाला यार, मैंने कल तेरी वीडियो देखी तूने यार, कल तो मतलब वाइस टाउन के जितने भी व्हीकल्स थे सारे के सारे फोड़ दिए यार ग्रेनेड से। उससे पहले तूने उनको आरपीजी से फोड़ा था। लेकिन यार छोटे एक बात समझ नहीं आई, तूने अभी तक वो सांता क्लॉज की फ्लाइंग कार को क्यों नहीं फोड़ा यार। टिप्सन दादा सांता क्लॉज की फ्लाइंग कार रॉप हीरो वाइस टाउन गेम में नहीं मिली ना, मुझे एरर आ गया था, मैं खरीद ही नहीं पाया था। तो क्या हुआ छोटे, मैंने तुझे ट्रिक बताई तो थी क्राइम सांता गेम के अंदर जाके तू फ्लाइंग कार ले सकता है, उड़ा सकता है, तू उसे फोड़ भी तो सकता है वहां जाके आरपीजी से। हां टिप्सन दादा लेकिन यार क्राइम सांता गेम के अंदर उस कार को खरीदना पड़ता है और उसमें ना अनलिमिटेड मनी मिलती भी नहीं है, तो इतने पैसे होते ही नहीं है कि इतनी बार उसको खरीद के मैं उसे फोड़ूं। अरे छोटे तुझे पता ही नहीं है क्या, क्राइम सांता गेम में एक सीक्रेट लोकेशन है जहाँ पे वो कार फ्री में मिलती है, सांता की फ्लाइंग कार। तू जा और वहाँ से वो गाड़ी ले ले और उसे फिर फोड़ के वीडियो बना यार मस्त वाली। अच्छा जी टिप्सन दादा यार मुझे तो पता ही नहीं था, एक काम करो आप वो लोकेशन ना मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं अपने व्यूवर्स को भी बता दूंगा कि कौन सी सीक्रेट जगह पे यार वो फ्लाइंग कार फ्री में मिलती है, और मैं अभी जाता हूँ और उसे फोड़ने का वीडियो भी बनाता हूँ, मतलब आज तो आरपीजी वर्सेस फ्लाइंग कार। तो चलिए टिप्सन दादा मैं चलता हूँ यहाँ से, टाटा बाय बाय, फिर आके मिलता हूँ आपसे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम चलते हैं क्राइम सांता गेम के अंदर, और हाँ दोस्तों अब आपका रोप हीरो बन जाएगा एक बुड्ढा सांता क्लॉज। जी हाँ दोस्तों, और फिर देखना फ्लाइंग कार हम उस गेम के अंदर कहाँ फ्री में मिलती है वो भी ढूंढेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर यार उस गेम के अंदर फ्री में हमें मिलने वाली है फ्लाइंग कार, और फिर हम उसकी टेस्टिंग भी करेंगे आरपीजी के अगेंस्ट, मतलब हम देखेंगे वो कितने आरपीजी मारने पे फुटती है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आपको लेके चलते हैं वहां। बूम दोस्तों आपका रोप हीरो हो चुका है बुड्ढा और बन चुका है सांता क्लॉज। देखो दोस्तों आपका रोप हीरो कितना बुड्ढा हो गया यार, इसके तो सफेद दाढ़ी आ गई और भाई ये गंजा भी हो गया। हाँ सच में ये गंजा है, इसीलिए तो इसने टोपा लगा रखा है। देखना दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये गंजा है या नहीं, आप सब देखना ये गंजा हो चुका है। लेकिन यार इसमें पावर उतनी है, ये देखो लात मार के ये किसी भी चीज को कहां से कहां फेंक देता है। ओ भाई इस गेम के अंदर तो लात मारने पे पैसे भी मिलते हैं, ये देखो यार मैंने इन सब चीजों को किक मारी तो हमें पैसे मिल गए। दोस्तों यार रोप हीरो बुड्ढा जरूर हो गया लेकिन इसकी किक में अभी भी वही ताकत है, ये देखना, ये देखो यार कितनी फास्ट किक मारता है। और अभी देखो हम उछल के देखते हैं यार ये क्या मस्त जंप भी करता है। दोस्तों ये देखो यार जंप इसका क्या खतरनाक वाला है, मतलब ये सिर्फ दिखने में बुड्ढा है लेकिन पावर इसमें अभी भी वही है, मसल्स थोड़े से पतले हो गए हैं लेकिन यार जान वो की वो है अभी इसमें। ये देखो इसकी रोप भी यार क्या शानदार हो चुकी है दोस्तों, और क्या मस्त जंप कर रहा है यार। अभी देखना मैं इस झूले को मारने वाला हूँ लात, और फिर देखते ये कहां जाता है। दोस्तों देखा आपने क्या बात है यार, इतनी दूर तो सच में रोप हीरो भी नहीं मार सकता था यार, ये बुड्ढा होने के बाद में ज्यादा ताकत आ गई यार इसके अंदर, काफी पावरफुल हो चुका है दोस्तों आपने देखा। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको लेके चलते हैं उस जगह जहां हमें मिलने वाला है वो फ्लाइंग कार फ्री में। दोस्तों क्राइम सांता गेम प्ले है ये, और इस गेम के अंदर एक लोकेशन है जहां पर हमें फ्री में मिलने वाली, यहां पर अभी हम हैं। और दोस्तों देखो हमें जाना है यहां पर, ये जो देखो अभी मैं बताता हूं ये रहा वो जगह दोस्तों, इस जगह हमें फ्री में सांता क्लॉज की वो फ्लाइंग कार मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वहां चलने की प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से जाएं यार बुड्ढे तो हो चुके हैं, दौड़ के इतनी दूर तो नहीं जा पाएंगे दोस्तों, तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कोई गाड़ी ले लेते हैं। ओ भाई एड आ गया। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं वहाँ क्यों जाना चाहता हूँ, क्योंकि यार वैसे तो मैंने वो फ्लाइंग कार खरीद रखी है लेकिन फिर भी देखो अभी मैं उसे जैसे यहाँ ऑर्डर करूंगा तो ये देखो 10,000 रुपये लगेंगे यार मेरे, तो 10,000 रुपये 10,000 रुपये, और वैसे भी हमें लाके इसे फोड़ना ही तो है आरपीजी से, तो दोस्तों 10,000 रुपये क्यों वेस्ट करने। और चलो आप लोगों को भी पता चल जाएगा यार फ्री में बिना खरीदे हम कैसे फ्लाइंग कार ले सकते हैं क्राइम सांता गेम के लिए, तो इसलिए मुझे वहाँ जाना भी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम उस लोकेशन पे चलते हैं, ये वाली गाड़ी ले लेते हैं और इस गाड़ी से फटाक से पहुंच जाते हैं उस लोकेशन पे जहां पर हमें फ्री में मिलने वाली है सांता क्लॉज की कार। दोस्तों अगर अभी तक आपने ये कार उड़ाने का एक्सपीरियंस नहीं लिया तो यार जल्दी से क्राइम सांता गेम डाउनलोड करो और फिर उसमें इस लोकेशन पे चले जाओ, मतलब पहले तो मुझे पैसे इकट्ठे करने पड़े थे लेकिन अब आपको कोई पैसे इकट्ठा नहीं करना है और बस गाड़ी में बैठना है और डायरेक्ट यहां आ जाना है, यहां आते ही आपको वो गाड़ी मिल जाएगी। देखना दोस्तों यहां सामने कहीं वो गाड़ी है, और ये देखो ये रही यार वो फ्लाइंग कार। तो दोस्तों
तो बस आपको अब कोई पैसा नहीं कमाना इस कार को उड़ाने के एक्सपीरियंस के लिए, आप जस्ट क्राइम सांता गेम डाउनलोड करो और इस लोकेशन पे आ जाओ, आपको यहाँ ये फ्लाइंग कार मिल जाएगी यार। और ये देखो आपका रोप हीरो यार बुढ़ा होने के बाद गंजा हो गया दोस्तों, देखो सांता क्लॉज कटप्पा जैसा है। सांता क्लॉज गंजा है दोस्तों, ये देखो अभी आपको क्लोज से दिखाते हैं, ये देखो यार गंजा, ओ भाई यार इसके सिर पे बाल ही नहीं है, ये गंजा हो चुका है दोस्तों रोप हीरो बिल्कुल पूरी तरीके से, और इसलिए ये टोपा लगाता है। देखो गाड़ी के अंदर अभी इसका टोपा हट चुका है और ये बिल्कुल गंजा है, और ये देखो जैसे गाड़ी से बाहर निकला टोपा लगा लिया इसने, भाई ये दुनिया से छुपाना चाहता है कि ये गंजा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा गंजा सांता क्लॉज? यार इसी वजह से सांता क्लॉज ये टोपा लगा के रहता है क्योंकि यार ये सोच में गंजा है दोस्तों, यार वैसे बुढ़ा होने के बाद रोप हीरो गंजा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हम बैठ चुके हैं हमारी इस फ्री की फ्लाइंग कार में और अभी से हम उड़ाने वाले हैं, उड़ा के इसे एक बिल्डिंग के ऊपर लेके जाएंगे और वहां ले जाके दोस्तों हम इसे फोड़ेंगे आरपीजी से और देखेंगे ये कितने आरपीजी खा सकती है यार। तो दोस्तों यार ये क्या मस्त तरीके से उड़ती है यार, अगर अभी तक आप लोगों ने इसे उड़ाने का एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो मेरे दोस्तों जल्दी से यार क्राइम सांता गेम डाउनलोड करो और उसमें इसे उड़ाने का फ्री में आनंद लो, क्योंकि यार देखो रोप हीरो वाइस टाउन में तो पैसे लगेंगे 890 रुपये, मतलब 1000 रुपये हो गए यार, 1000 रुपये क्यों वेस्ट करने जब आपको सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है इसे उड़ाने का। तो जल्दी से क्राइम सांता गेम डाउनलोड करो फ्री में और उसके अंदर आपको पैसे भी नहीं कमाने, अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो कमा सकते हो यार, काफ़ी ईजी है, मैंने अभी आपको बताया कैसे किक मार के आप पैसे कमा सकते हो, और पैसे कमाने की जरूरत है भी क्या यार, अगर आपको सिर्फ ये फ्लाइंग कार उड़ानी है तो जस्ट जो मैंने लोकेशन बताई वहां पहुंच जाओ आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसे मैं जल्दी से यहां उतार लेता हूं, दोस्तों अभी मैं इसे यहां पे लैंड करा देता हूं और फिर हम इसकी लेते हैं टेस्टिंग, मतलब इसे आरपीजी से फोड़ने वाले हैं। पहले देखेंगे यार इसके अंदर क्या क्या मिलता है, मतलब यार इसके पीछे ये जो बगी है इस बगी के अंदर है क्या रखा, मतलब यार मुझे एक पिज्जा का वो तो दिखा था और उसके अलावा ये देखो रॉकेट्स लगे हुए हैं यार, मतलब पिज्जा भी रखा हुआ है इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों इसे जल्दी से देख लेते, घंटी भी लगी हुई है और नीचे की साइड में भाई दो बोतल लगी हुई है, उनसे क्या निकलता है, कुछ नहीं निकलता इसके अंदर तो। और यार यार क्या शानदार, ये देखो यार दोस्तों पिज्जा, ओ भाई आपका सांता क्लॉज पिज्जा खाता फिरता है यार, मतलब ओ भाई स्पीकर देख रहे हो सीट के बाजू में, क्या बात है यार दोस्तों, सांता क्लॉज ने दो स्लाइस छोड़े, मतलब दो ही पीस हैं इसके अंदर पिज्जा के, बाकी सारे खा गया मोटा यार, काफ़ी पिज्जा खाता है यार ये तो। आप भी खाते हो क्या दोस्तों, आपने से पिज्जा किस किस को फेवरेट है यार कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और यार ये देखो क्या बात है, पीछे इसने छड़ी रख ली, और यार ये ड्रम जैसा क्या यार, ये बॉम्ब लगता है यार, ड्रम है बॉम्ब है क्या है यार इतना बड़ा, भाई खतरनाक है भाई, पिज्जा रख रखा है, क्या क्या रख रखा है, ये रॉकेट चलते हैं या नहीं चलते ये भी नहीं पता मुझे अभी तक, तो अभी मैंने इस गेम के अंदर देखा नहीं चलते हुए। तो दोस्तों काफ़ी शानदार है यार ये फ्लाइंग कार, अब हम इसे टेस्टिंग करने वाले हैं, मतलब हम इसे आरपीजी से फोड़ने वाले हैं दोस्तों। वैसे मेरा मन तो नहीं हो रहा यार, इतनी शानदार फ्लाइंग कार मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगने लग गई है ये, और इसे मैं फोड़ूँ यार बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, वो फ्री लोकेशन हमने देख ली है, वहाँ चल के दूसरी ले लेंगे यार, इसे फोड़ के टेस्टिंग तो करते हैं कितने आरपीजी में फूट सकती है ये, पता चला पुलिस पीछे पड़ गई, एक आरपीजी लगी और वहीं हम मर गए, तो पहले टेस्टिंग लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। तो मैंने ले लिया आरपीजी हाथ में और अब बस इस कार को मैं फोड़ने वाला हूँ, एक अच्छी सी जगह देख लेता हूँ जहां मेरी हेल्थ को इफेक्ट ना पड़े। और दोस्तों ये लो मैंने टारगेट करके, ओ भाई ये क्या भाई, इतनी वीक आती है ये, मतलब बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं आती ये कार यार, ये फ्लाइंग कार तो सिर्फ एक आरपीजी में ही फूट गई यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा यार, थोड़ी तो स्ट्रांग होनी चाहिए थी दोस्तों, क्या है यार ये। चलो दोस्तों हम जल्दी से वापस से उसी लोकेशन पे जाते हैं और दूसरी फ्लाइंग कार लेके उस पर ट्राई करते हैं, हो सकता है ये बग हो ग्लिच हो, यार ऐसा कैसे हो सकता है एक ही आरपीजी में फूट गई भाई, इतनी अच्छी कार नहीं यार दोस्तों। मैं वापस से उसी लोकेशन पे जा रहा हूँ और फिर से वो गाड़ी लूंगा और वहीं फोड़ूंगा और देखूंगा यार सच में एक आरपीजी में। तो चलिए दोस्तों वापस से उसी लोकेशन पे चलते हैं और देखते हैं वहां हमें दूसरी गाड़ी भी मिलेगी या नहीं फ्री में, क्योंकि यार क्या पता एक ही बार मिलती हो, लेकिन मुझे लगता है मिल जानी चाहिए। तो जल्दी से चलते हैं हम, लेकिन जाएंगे कैसे अब की बार तो हमारे पास ना कोई गाड़ी है ना कुछ। और दोस्तों काफ़ी स्ट्रगल करके हमें वहाँ जाना पड़ेगा यार, क्या करें कोई व्हीकल है ही नहीं हमारे पास और ख़रीद सकते नहीं, इतने पैसे नहीं है यार। तो चलो कोई नहीं, अभी हमारा सांता क्लॉज काफ़ी जवान है, कैसे दौड़ के जा रहा है यार कितनी फास्ट। और ये देखो दोस्तों हमें दूसरी फ्लाइंग कार भी मिल चुकी है, मतलब हम यहाँ से अनलिमिटेड जितनी चाहें उतनी फ्लाइंग कार ले सकते हैं, क्या बात है दोस्तों मज़ा आ गया। ओ भाई बुढ़े का तो सांस भर गया यार, मतलब बुढ़ा हो गया तो यार सांस तो भरेगा ही, रोप हीरो यार वीक तो होगा ही भाई, कोई नहीं आराम से सांस ले ले बुढ़े। तो चलो दोस्तों अब हम बैठने वाले हैं, बैठने वाले नहीं है भाई फोड़ने वाले हैं, तो दोस्तों अब हम इसे फोड़ देंगे यहीं पे
और देखते हैं ये बग तो नहीं है सच में एक आरपीजी में ही फूटती है कि ये, और भाई ये सच में एक आरपीजी में फूटती है। तो भाई मेरा तो अब सबसे एक ही एडवाइस है कि भाई कभी भी इस फ्लाइंग कार में बैठ के पुलिस से पंगा मत लेना, और आर्मी वालों से तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि यार आर्मी वाले ऐसे हैं ना, सीधे आरपीजी चलाते हैं, बुलेट्स बहुत कम चलाते हैं, और एक आरपीजी अगर आपकी इस फ्लाइंग कार को पड़ गई ना भाई तो आप मर ही जाओगे। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ जल्दी से एक बार यहाँ से वापस चलते हैं। ओ भाई आ क्यों नहीं रही, मैं सोच रहा हूँ यहाँ हम जब तक खड़े रहें तब तक आई जाए दूसरी गाड़ी, लेकिन ऐसे नहीं आने वाली दोस्तों। इसके लिए हमें थोड़ा सा दूर जाना होगा, और दूर जाके हम वापस आ जाएंगे तो शायद वो फ्लाइंग कार फिर से यहाँ आ जाएगी। मैं पीछे देखता हुआ जा रहा हूँ कि जहाँ से दिखे वहीं से मैं वापस आ जाऊँ, लेकिन यार मैं यहाँ तक आ गया और भाई लग गई अब की बार अपने बुड्ढे के। कोई नहीं दोस्तों अब वापस चलते हैं, यार यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, शायद वो गाड़ी आ गई हो, तो जल्दी से दौड़ के हम फिर से चलते हैं। भाई आ गई होगी यार अब तक तो। ओ भाई सच में आ गई, देखा दोस्तों, मतलब हम यहाँ से अनलिमिटेड फ्लाइंग कार्स ले सकते हैं, क्या बात है दोस्तों, मजा आ गया। और दोस्तों इस बार ना आरपीजी नहीं चलाएंगे, इस बार चलाएंगे हम ये बंदूक, और ये देखो इसके अंदर 50 गोलियां लोडेड हैं, और ये 50 की 50 में इस पर खाली करने वाला हूं, और पता चलेगा कि 50 गोलियां लगने के बाद ये गाड़ी का क्या हाल होता है दोस्तों। ओ भाई लगता है ये फूट जाएगी, ओ तेरी, देखा दोस्तों यार ये सिर्फ 50 बुलेट्स लगते ही फूट चुकी है बुरी तरीके से, और आपका रोपीरो मतलब ये सांता क्लॉज भी मर चुका है यार, सांता क्लॉज है ये, रोपीरो नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा है कि कैसे आप क्राइम सांता गेम के अंदर फ्री में फ्लाइंग कार ले सकते हैं एक सीक्रेट पैलेस पे जाके, और उसके अलावा आपको यह भी पता चल गया है कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आती है, मतलब कि उसमें बैठ के कभी भी पुलिस या आर्मी से पंगा नहीं लेना है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जरूर से सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।